में 10 क्लास का मैथ 1.2 देखेंगे, 2024 का जो एनसीईआरटी बुक है उसके हिसाब से, ठीक है। पुराना बुक अगर आपके पास होगा तो ये 1.3 में मिलेगा। सिद्ध करिए कि रूट फाइव एक अपरिमेय संख्या है, रूट थ्री एक अपरिमेय संख्या है, इस तरह का क्वेश्चन को, ठीक है। तो चलिए, इसका क्लास बहुत पहले ही बहुत ही बेहतरीन तरीके से ले चुके हैं, तो उसी वीडियो को इसी में अटैच कर दे रहे हैं, उस वीडियो को। तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा, कहीं पे कोई दिक्कत होगा, कोई क्वेश्चन में कोई दिक्कत होगा तो कमेंट करिएगा, ठीक है। तो चलिए, वीडियो बहुत पहले 1.3 से पहले का जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल उदाहरण नंबर 10 से आज देखेंगे। 9 तक कंप्लीट हो गया है, 1.3 में एक रूट फाइव एक अपरिमेय संख्या है, वो क्वेश्चन को कर दिए थे पिछले वीडियो में। तो रूट फाइव एक अपरिमेय संख्या है, रूट टू एक अपरिमेय संख्या है, रूट थ्री एक अपरिमेय संख्या है, इस तरह का क्वेश्चन जो भी है उसको सॉल्व कैसे करना है, इसको अपरिमेय कैसे सिद्ध करना है, वो पिछला वीडियो में देखे थे। आज की वीडियो में देखेंगे अगर प्लस माइनस में या मल्टीप्लाई में है और साथ में कोई रूट वाला नंबर, तो उसको कैसे सिद्ध करना है। जैसे उदाहरण नंबर 10, थोड़ा सा तबीयत खराब है इसलिए 2-3 दिन से वीडियो नहीं दिए थे। चलिए उदाहरण नंबर आज 10 देखते हैं। 5 माइनस रूट थ्री एक अपरिमेय संख्या है, ये हमको सिद्ध करना है, ठीक है। 5 माइनस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, ये क्या करना है, सिद्ध करना है। ध्यान से देखिएगा, इसको सिद्ध करने का क्या तरीका है, तो तरीका वही है जो पिछला वीडियो में बताए थे। शुरू इसको मान लेना है परिमेय संख्या, उसके बाद परिमेय संख्या के अनुसार आगे बढ़ना है, फिर कुछ दूर जाकर पता चलेगा कि ये जो हम माने थे कि ये परिमेय संख्या, ये गलत है, ये एक अपरिमेय संख्या, बस इस तरह से लिख देना है, ठीक है। तो सबसे पहला प्रोसेस इसका क्या है, सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा उसको मान लेना है ये परिमेय संख्या है, हमको अपरिमेय सिद्ध करना है, लेकिन इसका विरोधाभास यानी उल्टा से हम इसको सिद्ध करेंगे, इसका विलोम से। तो इसको इसका उल्टा हम मान लेंगे कि 5 माइनस रूट 3 एक माना 5 माइनस रूट 3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या को किस तरह से लिखते हैं, 5 माइनस रूट 3 बराबर हम p/q में लिखेंगे। क्यों? क्योंकि परिमेय संख्या उसी को कहते हैं जिसको p/q के रूप में लिखा जा सकता है, और अगर इसको हम परिमेय मान लिए, मतलब ये 5 माइनस रूट 3 बराबर होगा p/q, यानी p/q के रूप में ये होगा, तभी ये परिमेय संख्या है, ठीक है। जहाँ पे यहाँ लिख देंगे, जहाँ पी और क्यू सह अभाज्य संख्या है, क्या है, सह अभाज्य संख्या है, सह अभाज्य संख्या है, और क्यू नॉट इक्वल टू जीरो है, क्यू जीरो के बराबर नहीं है, ये परिमेय संख्या का डिफिनेशन होता है, क्योंकि हम इसको परिमेय संख्या मान लिए, इसको हम कर देंगे इसीलिए p/q के रूप में लिखेंगे। p/q के रूप में जो लिखे तो ये p और q क्या है, तो ये दोनों एक सह अभाज्य संख्या है। सह अभाज्य संख्या समझाए थे पिछले ही वीडियो में, क्या होता है, ऐसा दो संख्या जो किसी एक पहाड़े से ना कटे, यानी एक नंबर से दोनों नहीं कट रहा है, तो उसी को सह अभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। और q नॉट इक्वल जीरो, q नहीं होना चाहिए, यानी नीचे हर में नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए, जो भी रूट वाला संख्या रहेगा, रूट में जो नंबर रहेगा उसको एक तरफ रहने देना है, इसके साथ जो भी जितना भी संख्या रहेगा उसको बराबर से उधर ले जाना है, ठीक है। इतना सा कर ही सकते हैं, p/q ये माइनस में √3 है, लेकिन माइनस में रहेगा इधर, मान चलिए, या इसको ऐसा कर देते हैं, माइनस में जो √3 है उसी को उधर ले जाइए, और ये p/q को इधर ले आइए, तो प्लस 5 ये प्लस में है, इधर आके माइनस p/q बराबर हो जाएगा √3, ठीक है। माइनस प्लस, माइनस वाला उधर जाकर प्लस हो गया, ये प्लस में था, इधर आके माइनस। अब इसको एक लाइन सॉल्व कर सकते हैं, इसको जोड़ेंगे तो ये भीम जोड़ है, भीम जोड़ कैसे करते हैं, ये एलसीएम निकाल के, तो क्यू और 1 का एलसीएम निकालेंगे, 1 होगा, और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसको, है एलसीएम इसका क्यू और 1 का क्यू हुआ, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 और q 5q हो गया, -p बराबर है √3, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, ध्यान से देखिएगा क्या आया यहाँ पे, उसको गौर से देखेंगे, देखिए p और q सह अभाज्य संख्या है, क्या संख्या है, संख्या है यानी कोई पूर्णांक ही है, कोई संख्या है, पूर्णांक है, तो अगर ये p और q दोनों पूर्णांक है, यार इसमें माइनस है, देखिए तो दोगो पूर्णांक को, दोगो संख्या को माइनस करेंगे तो संख्या पूर्णांक ही आएगा, दोगो इंटीजर यानी दोगो पूर्णांक को माइनस करेंगे, यहाँ माइनस का साइन है तो पूर्णांक ही आता है, और q नीचे है, q है
बटा में, यानी कि पी बाई क्यू या पी माइनस क्यू, तो पी माइनस क्यू से घटाएं तो भी कोई पूर्णांक आएगा। कहे कि पी और क्यू क्या है, कोई सब सहभाज्य संख्या यानी कोई पूर्णांक है, तो कोई भी पूर्णांक होगा, कोई भी नंबर होगा, जैसे फाइव है और एगो थ्री है, तो माइनस करेंगे तो टू आएगा, तो कोई नंबर ही ना आएगा, कोई पूर्णांक ही आएगा, कोई दूसरा चीज इतना आएगा, कोई पूर्णांक ही आएगा। अब नीचे क्यू भी पूर्णांक है, तो क्यू में भी कोई पूर्णांक रहेगा, मान चलिए दो, तो इसको भी भाग देंगे तो कोई पूर्णांक ही आएगा। तो जब कोई ना कोई पूर्णांक ही आ रहा है इसको सॉल्व करने से, क्योंकि पूर्णांक का माइनस पूर्णांक होता है, पूर्णांक पूर्णांक को गुणा करने से भी पूर्णांक होता है, पूर्णांक और पूर्णांक को भाग देने से भी पूर्णांक होता है, तो यहाँ माइनस और भाग है, बटा मन भाग, तो यहाँ भी पूर्णांक ही आएगा। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, मतलब ये पूरा यहाँ पे आ रहा है पूर्णांक, तो अगर ये पूरा का पूरा कोई पूर्णांक है तो पूर्णांक को तो परिमेय संख्या कहते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा इधर वाला पूरा, है क्योंकि पी और क्यू हम मान लिए सहभाज्य संख्या है, यहाँ पी और क्यू का भाग है माइनस है, तो ये भी क्या आएगा, पूर्णांक ही आएगा। और अगर ये पूर्णांक है, मतलब पूर्णांक तो परिमेय संख्या होता है, हैं, तो परिमेय संख्या आ गया ये वाला। लेकिन जब उधर देखते हैं तो रूट थ्री, रूट थ्री हम पिछला ही वीडियो में प्रूफ कर चुके हैं कि रूट में जो ऐसा रहता है, रूट थ्री जो है वो अपरिमेय संख्या है, तो ये परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या आ रहा है, समस्या है, परिमेय संख्या इधर आ रहा उधर अपरिमेय आ रहा है, बीच में बराबर का साइन आ रहा है, यानी क्या हो रहा है कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों बराबर है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता है, परिमेय और अपरिमेय तो बराबर नहीं हो सकता है, इधर परिमेय है उधर अपरिमेय बराबर आ रहा है, जो कि संभव ही नहीं है, तो ऐसा क्यों आ रहा है, अपरिमेय संख्या के बराबर ये क्यों आ रहा है, परिमेय संख्या क्यों आ रहा है, क्योंकि हम गलत मान लिए हैं कि 5-√3 एक परिमेय संख्या है, ये गलत हम कल्पना कर लिए शुरू में ही और इसके अनुसार बना रहे हैं, इसलिए आ जा रहा है एक तरफ परिमेय एक तरफ अपरिमेय। तो बस इसी चीज को यहां लिख देना है, क्योंकि p और q पूर्णांक है, इसलिए 5q-p भी पूर्णांक होगा, है पूर्णांक को घटाएंगे तो पूर्णांक ही होगा, क्या लिखेंगे, चलिए लिख ही देते हैं तब समझ में आएगा, क्योंकि p और q तीनों देखिए पूर्णांक है, p q r ये सब का सब पूर्णांक है, पूर्णांक का घटा पूर्णांक का गुणा या पूर्णांक का भाग तो पूर्णांक ही आता है, और पूर्णांक मतलब होता है माइनस वाला भी नंबर हो सकता है, जीरो भी हो सकता है और प्लस वाला भी नंबर हो सकता है, तो ये सब नंबर जो है ये सब तो परिमेय संख्या है, है? और चूंकि ये पूर्णांक है इसलिए कहा हो जाएगा 5q-p/q एक परिमेय संख्या है, और ये परिमेय संख्या है, इधर भी परिमेय संख्या बराबर का साइन है, परिमेय संख्या आ गया, अब बराबर रूट थ्री है, तो इसके अनुसार देखे तो रूट थ्री भी एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है, क्यों, देखिए ये परिमेय संख्या इधर आया बराबर, ये अपरिमेय है ये जान रहे हैं, लेकिन परिमेय संख्या बराबर का साइन है, इसका मतलब इधर वाला परिमेय तो वो भी क्या होगा, परिमेय संख्या होगा, लेकिन परंतु लास्ट में इतना सा लिख देना है, ठीक है, देखिए ध्यान से फिर एक बार थोड़ा सा ध्यान से समझ लीजिए, ये तो समझ में आया इतना सा, ये जोड़ घटाओ की है, घटाओ का साइन था, घट घटाए हैं तो भिन्न में है तो भिन्न घटाओ की है, अब ये देखिए पूर्णांक में पूर्णांक माइनस करेंगे पूर्णांक आएगा, पूर्णांक को पूर्णांक से भाग देंगे पूर्णांक ही आएगा, यानी कोई पूर्णांक कोई संख्या को संख्या से घटाएंगे तो कोई संख्या ही आता है, संख्या से गुणा करेंगे तो भी संख्या आता है, संख्या को संख्या से भाग देंगे तो भी संख्या आता है, तो चूंकि ये संख्या है, संख्या मतलब कोई पूर्णांक है, तो पूर्णांक जो रहता है 0, 1, 2, 3 या प्लस 1 या माइनस 1, 2, 3 इस तरह का जो भी नंबर है वो सारा नंबर परिमेय संख्या होता है, तो ये जो सब पूर्णांक है पी और क्यू पूर्णांक है, तो पी क्यू माइनस पी भी पूर्णांक होगा और पी क्यू माइनस पी बाई क्यू ये भी पूर्णांक होगा, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये पूरा का पूरा एक परिमेय संख्या, क्योंकि ये सब पूर्णांक है, तो पूर्णांक का जोड़ घटा भाग पूर्णांक ही आता है, पूर्णांक एक परिमेय संख्या है, तो एक परिमेय संख्या हो गया। अब ये परिमेय संख्या है तो बराबर का साइन में उधर रूट थ्री है, तो इधर का अगर परिमेय है तो बराबर है, मतलब वो भी तो परिमेय के बराबर यानी परिमेय ही होगा, तो इसलिए लिख दिया रूट थ्री भी एक परिमेय है इसके अनुसार है, लेकिन परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है, विरोधाभास मतलब इसका उल्टा हमको प्राप्त हो रहा है कि रूट थ्री एक अपरिमेय संख्या है, यानी रूट थ्री एक अपरिमेय संख्या ये हम सिद्ध कर चुके हैं, लेकिन इसका उल्टा भी हमको मिल रहा है यहाँ कि रूट थ्री एक परिमेय संख्या है, इसका विरोधाभास प्राप्त हो रहा है यानी उसका उल्टा जस्ट प्राप्त हो रहा है, तो क्यों ऐसा उल्टा प्राप्त हो रहा है, तो यह विरोधाभास हमें अपने गलत कल्पना के कारण, हम गलत सोच लिए थे,
कल्पना हम गलत कर लिए थे, इसीलिए हमको ऐसा उल्टा आ रहा है, रूट थ्री आ रहा है परिमेय संख्या। और हम जानते हैं कि रूट थ्री अपरिमेय संख्या, लेकिन यहाँ परिमेय आ रहा है क्योंकि हम सोचिए लिए थे उल्टा, शुरू में उल्टा मान लिए थे। क्या उल्टा माने थे? माने थे कि 5 - √3 एक परिमेय संख्या, यही हम उल्टा चीज मान लिए थे। ठीक है, अतः 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है, यानी परिमेय मान के आए, इसलिए यहाँ पे आते आते रूट थ्री भी परिमेय संख्या जैसा लगने लगा जो कि अपरिमेय है। तो क्यों ऐसा लगा? क्योंकि हम परिमेय मान लिए थे, तो परिमेय मान लिए थे तो यहाँ पे गलत आ गया। इसका मतलब क्या है कि ये अपरिमेय संख्या होगा, क्योंकि परिमेय मानने तो गलत आ गया, मतलब क्या इसका उल्टा परिमेय का उल्टा अपरिमेय होगा, तो ये 5 - 3 एक अपरिमेय संख्या है। बस इतना ही सा लिखना है, 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, 3 फुल मार्क्स मिलेगा। हाँ, आपका स्कूल में हो सकता है कुछ वर्ड यहाँ पर चेंज करें, यहाँ चेंज करें, तो कोई दिक्कत नहीं है ना, वर्ड थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, लेकिन प्रोसेस वही है। हम यहाँ पर समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है ना, तो ये समझिएगा, इतना सा सोल्व हर में करना है हर क्वेश्चन में, और ये दोनों को लिख देना है, बस काम खत्म। ठीक है, तो इस तरह के जितना भी क्वेश्चन है, जितना भी इस तरह का क्वेश्चन है, सारा क्वेश्चन को एक साथ देख लेते हैं, उसके बाद मल्टीप्लाई वाला देखेंगे और डिवाइड वाला, जैसे 3√2 वाला है, 7√5 है, ऐसा वाला क्वेश्चन एक तो देख लेंगे, उसके बाद एगो 1/√2 है इसका वाला क्वेश्चन, लेकिन पहले प्लस माइनस वाला देख लेते हैं। ठीक है, एक टाइप का क्वेश्चन एक साथ देखेंगे ताकि आपको भी कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो इस तरह का क्वेश्चन हम देख रहे हैं, क्वेश्चन सेकेंड क्वेश्चन है 1.3 का सेकेंड क्वेश्चन, एक्सरसाइज 1.3 का सेकेंड क्वेश्चन। ठीक है, 1.3 का सेकेंड क्वेश्चन में है 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या, यहाँ भी देखिए प्लस में है, एक अपरिमेय संख्या है, ये हमको सिद्ध करना है। चलिए सिद्ध करते हैं, देखिए क्या करना है, काम वही करना है, खाली नंबर चेंज हो जाएगा, नंबर चेंज हो जाएगा। कहाँ कहाँ नंबर चेंज होगा? देखिए यहाँ 3 + √2√5 है, तो यहाँ चेंज हो जाएगा, ये सब कुछ वही रहेगा, सब कुछ वही रहेगा, बस चेंज हो जाएगा उसके अनुसार, यहाँ पे बनाएंगे, यहाँ छोड़ देते हैं। ठीक है, और यहाँ चेंज हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा, हिंदी वर्ड वही लिखना, ये चेंज हो जाएगा बस, और ये चेंज हो जाएगा, ये लास्ट का हुआ नंबर जो है चेंज हो गया, बाकी सब वही रहेगा, ये याद कर लीजिए इसको। ठीक है, देखिए यहाँ क्या लिखेंगे, माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, हमेशा उल्टा मान लेना, अपरिमेय सिद्ध करना है, मान लेना है परिमेय, मैंने वही मान लेना है कि है ना, पिछले वीडियो में समझाया था बढ़िया से, तो ये मान लेना है परिमेय है। अब परिमेय अगर है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, ये जो है p/q के बराबर होगा, और p/q क्या है, तो ये सहभाज्य संख्या है यानी पूर्णांक है, और q ≠ 0 है। अब इसको फिर से रूट को एक तरफ रखना है और बाकी सब संख्या एक तरफ भेज देना बॉर्डर पार, तो 2√5 है, इसको रहने दीजिए, अभी p/q है इधर, प्लस में 3 है इधर, आकर माइनस हो जाएगा, है होगा माइनस, इसको करिए माइनस, तो यहाँ कुछ नहीं, तो एक और वही तिरछा तिरछा गुना कर दीजिए, पी ए का पी माइनस 3 और क्यू गुना करेंगे 3 क्यू, और नीचे क्यू ए का क्यू। अब ये दो गुना में है, तो दो गुना में है तो इधर आकर भाग में यानी नीचे क्यू के साथ आ जाएगा, ये आ गया। अब ध्यान से फिर देखिए, पी माइनस क्यू है, पी माइनस 3 क्यू, माने पी और क्यू घटा हो रहा है, घट रहा है, तो पी और क्यू क्या है, पूर्णांक, पूर्णांकों को घटाएंगे पूर्णांक आएगा, और नीचे भी क्यू है, माने पूर्णांक को पूर्णांक से फिर भाग भी देना है तो पूर्णांक ही आएगा, तो फिर वही बतवा लिखेंगे, पी और क्यू पूर्णांक है, इसीलिए इसीलिए क्या हो जाएगा, पी माइनस 3 क्यू भी पूर्णांक है, है, और इसीलिए और क्या हो जाएगा, पी माइनस 3 क्यू बटा में अगर 2 क्यू है तो ये भी पूर्णांक होगा, माने माइनस करेंगे तो भी पूर्णांक आएगा, भाग देंगे तो भी पूर्णांक आएगा, यानी संख्या को संख्या से घटाएंगे तो संख्या आएगा, संख्या को संख्या से गुना करेंगे संख्या आएगा, भाग करेंगे तो भी संख्या आएगा, तो ये भी पूर्णांक है। अब सब का सब पूर्णांक है, इसका मतलब क्या है कि ये जो है ये एक परिमेय संख्या है। अब इसके अनुसार देखेंगे तो ये परिमेय बराबर √5, तो बराबर की इधर √5, तो √5 भी तो परिमेय संख्या हो जाएगा इसके अनुसार, अभी तक जो आ रहा है उसके अनुसार। लेकिन परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, है, हम जानते हैं √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो इसका विरोध आ रहा है, विरोधाभास यानी उल्टा आ रहा है। क्यों आ रहा है? तो यह विरोधाभास हमें अपने गलत कल्पना के कारण आ रहा है कि हम 3 + 2√5 को परिमेय संख्या मान लिए, अतः हम कह देंगे कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, काम खत्म। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, इस तरह से क्वेश्चन अब कर लीजिएगा। एक और क्वेश्चन है इसी तरह का, थर्ड का तीसरा का तीसरा नंबर क्वेश्चन में है, 6 + √2 है, 6 + √2, तो इसको जस्ट वैसे ही कर देना है, 6 + √2, 6 + √2, 6 उधर जाकर माइनस हो जाएगा, फिर इसका एक लाइन होगा,
उसके बाद फिर वही चीज़ लिख देना है, खाली यहाँ बदल दीजिएगा, ठीक है। तीसो कर लीजिएगा, छोड़ दे रहे मल्टीप्लाई वाला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। या इसको भी कर ही दे रहे, चलिए इसको बदल दे रहे फटाफट, हम फटाफट बदल देते हैं। यहाँ पे सिर्फ बदलाएगा, ये बदलाएगा, ये बदलाएगा, और यहाँ बदलाएगा, यहाँ बदलाएगा, यहाँ बदलाएगा, बस इतना ही से। देखिए मान लेना का 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, है? अब 6 + √2 परिमेय है तो ये पी बाई क्यू के रूप का होगा। अब ये प्लस का बोले रूट को खाली रहने दो, नंबर को हटाओ तो पी बाई क्यू, और ये 6 माइनस में इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे क्यू होगा, और पी ए का पी माइनस 6 और क्यू करेंगे तो 6 क्यू, इधर 2 रूट। अब देखिए फिर से वही माइनस वाला आया, तो यहाँ पर वही बात लिखेंगे, पी माइनस 6 क्यू पूर्णांक होगा। अब ये पूर्णांक है तो पी माइनस 6 क्यू बाई क्यू, ये भी तो पूर्णांक होगा। अब सब पूर्णांक है तो पी माइनस 6 क्यू बाई क्यू एक परिमेय संख्या होगा, सब पूर्णांक है तो पूर्णांक को ही परिमेय, जितना पूर्णांक है वो सब परिमेय संख्या होता है, तो ये भी परिमेय संख्या हो गया। अब ये परिमेय है तो बराबर का साइन रूट टू है तो ये भी परिमेय हो जाएगा, लेकिन ये गलत है, परंतु इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है, माने उल्टा प्राप्त हो रहा है कि रूट टू हम जानते हैं अपरिमेय संख्या है, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हम इसको मान लिए हैं, तो यहाँ लिख देंगे 6 + √2, इसको मान लिए हैं परिमेय संख्या, हम गलत मान लिए हैं, गलत मान लिए मतलब सही क्या होगा कि 6 √2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक। चलिए अब थोड़ा सा दूसरा टाइप देखते हैं, खैर टाइप ने सब वही क्वेश्चन है, ठीक है। उदाहरण 11 देख लेते हैं, उदाहरण नंबर 11 में है 3 √2, सब वही है ना, सब वही करना है, बस ये मल्टीप्लाई में है तो उससे कोई दिक्कत नहीं, बस उतने ही सा करना है, यही सब को खाली हटाएंगे, बाकी सब सेम रहेगा, ये सब रहेगा सेम। देखिए देखिए क्या हो रहा है, इसको फिर से मान लेंगे रूट 3 √2 एक परिमेय संख्या है, अब ये परिमेय है मतलब 3 √2 बराबर पी बाई क्यू है। अब ये फिर से बोले रूट टू रहने दो, बाकी हटाओ तो पी बाई क्यू, और ये 3 गुना में तो भाग नीचे आ जाएगा। अब देखिए फिर से वही चीज़, पी और क्यू पूर्णांक है, है पी और पी क्यू पूर्णांक है, तो पी बटा 3 क्यू भी तो पूर्णांक ही होगा, तो इसमें और एक लाइन लिखने का जरूरत नहीं है, ये वाला लाइन का यहाँ जरूरत नहीं पड़ रहा है, है ये वाला लाइन की जरूरत नहीं पड़ रहा है, एक ही बार में हो रहा है। पी बाई क्यू पूर्णांक अगर है तो पी बाई 3 क्यू, पी और क्यू पूर्णांक है तो पी बाई 3 क्यू भी पूर्णांक होगा, क्योंकि पी और क्यू में क्या भाग है, तो भाग देंगे पूर्णांक को तो पूर्णांक ही आएगा, ठीक है। इसको नहीं लिखना है यहाँ पे, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, आगे शायद कोई क्वेश्चन लिखना होगा इसलिए हम इसको मिटाने रहे, बस काट दे रहे, इसको नहीं लिखिएगा आप इस क्वेश्चन में, ठीक है। उसके बाद क्या लिखेंगे, इसलिए पी बाई 3 क्यू एक परिमेय संख्या होगा, क्योंकि पूर्णांक आ गया तो पूर्णांक परिमेय होता है, तो ये भी परिमेय संख्या है। अब ये परिमेय है तो इसका बराबर में उधर जो है वो भी तो परिमेय होगा, लेकिन फिर से वही आ गया कि रूट टू हम जान रहे तभी से कि अपरिमेय है, तो ये विरोधाभास क्यों आ रहा है, क्योंकि हम गलत मान लिए थे 3 √2 एक परिमेय संख्या है, इसलिए 3 √2 एक अपरिमेय संख्या, गलत मान लिए थे इसलिए गलत आया, तो गलत मानने थे तो आप सही मान कर दे रहे कि ये एक अपरिमेय संख्या है, क्लियर है। चलिए हटाते फटाफट कर दे रहे सभी क्वेश्चन को, ठीक है। उदाहरण 11 में ऐसा क्वेश्चन था, फिर एक्सरसाइज 1.3 का 1 हो गया, 2 हो गया। अब तीसरा का देखिए, तीसरा का पहला क्वेश्चन देखिए, तीसरा का पहला क्वेश्चन में है 1 √2, ले तो बस बदलना यही पे है, यहाँ पे है, बाकी तो सेम रहेगा। चलिए बदलते हैं, 1 √2 एक परिमेय संख्या मान लेंगे, तो 1 √2 बराबर ये हो जाएगा। अब देखिए रूट टू को अकेले रखना है तो रूट टू भाग में है, भाग में है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, पी बाई क्यू, ये गुना में हो जाएगा रूट टू, और रूट टू अकेले रखना है, अकेले रखना है तो इधर रखिए, आइए इधर लाइए पी और क्यू को, तो क्यू भाग में है तो ये ऊपर चल जाएगा, पी नीचे, उल्टा आ गया। तो उल्टा आवे कि सीधा आए, क्यू को पी से भाग दीजिए या पी को क्यू से भाग दीजिए, दोनों पूर्णांक है तो पूर्णांक को भाग देंगे तो पूर्णांक ही ना आएगा, है तो पी और क्यू पूर्णांक है, इसलिए पी क्यू बटा पी भी तो क्या होगा, पूर्णांक होगा। अब पी बाई क्यू पूर्णांक है मतलब ये परिमेय होगा, पी क्यू बाई पी परिमेय संख्या होगा, पूर्णांक है तो पूर्णांक है मान परिमेय संख्या है। अब ये परिमेय है तो बराबर में रूट टू है तो ये भी तो परिमेय होगा। अब रूट टू परिमेय है और हम जानते हैं कि रूट टू एक अपरिमेय संख्या है, यहाँ रूट टू लिख ले,
लेकिन हम ये गलत जो आया कि ये रूट टू पर अपरिमेय जानते हैं, लेकिन परिमेय आ रहा है। क्यों आ रहा? क्योंकि हम गलत मान लिए हैं कि 1/√2 एक परिमेय संख्या। तो जो गलत जो माने उसको यहाँ लिखेंगे और फिर लास्ट में सही कर देंगे कि हाँ 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, कोई दिक्कत नहीं। सेकेंड क्वेश्चन में देख लीजिए, 7/√5 है, लगा देते हैं यहाँ 7/√5। तो 7/√5 अगर लगा देंगे, हटा देते हैं ये सबको, ये रहा। इस लाइन का जरूरत यहाँ भी नहीं है, ठीक है, मतलब इस गुना भाग वाला में इस लाइन का जरूरत नहीं है, तो इसको हटा ही देते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ √2 की जगह √5 आवर आएगा। देख, माना 7/√5 एक परिमेय संख्या है, तो ये हो जाएगा 7/√5 पी बाई क्यू, रूट को रहने देना है, 7 को हटाइए तो पी बाई क्यू 7 गुना में 3 भाग में नीचे आ जाएगा। फिर वही पी और क्यू पूर्णांक है, तो P और ये P बटा 7 क्यू भी पूर्णांक है। जब P और Q पूर्णांक है तो इसका भाग करेंगे तो भी पूर्णांक है, और ये पूर्णांक है इसका मतलब है कि ये एक परिमेय संख्या है। अब ये परिमेय संख्या तो बराबर में √5 थी, ये भी एक परिमेय संख्या इसके अनुसार हो गया, लेकिन ये हम जानते हैं। परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास यानी उल्टा आ रहा है कि √5 एक अपरिमेय संख्या, यानी हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, यहाँ परिमेय आ रहा है। तो क्या कर देंगे, क्यों ऐसा आ रहा है, तो यहाँ पे हम गलत एक अवधारणा लिए हैं, गलत कल्पना किए हैं कि ये एक परिमेय संख्या है, अतः ये एक अपरिमेय संख्या। किस्सा खत्म, काम खत्म, ठीक है। बाकी तीसरा क्वेश्चन तो बता ही दिए, 6+√√2 वाला, तो बस इतना ऐसा करना है, ठीक है। उम्मीद है समझ में आया होगा, कुछ हार्ड नहीं है, ठीक है। एक दो बार इसको खाली याद रखिएगा थोड़ा सा, इतना सा, और बता दिए खाली यहाँ पे चेंज कर देना है जैसा क्वेश्चन रहेगा उसके अनुसार, ठीक। तो चीज है, समझ में आया होगा, समझ में आया होगा तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, और वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिएगा। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल का आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह का वीडियो आपको लगातार मिलते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।